Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP Mukhya Yogi Adityanath ke bhrashtachar par zero tolerance niti dhajjiyan udate hue Meerut 1 vibhag kaam kar raha hai. Gad Road par sadak chaurikaran ke dauran kaate gaye ped aadi ka ढुलान करने वाले ठेकेदार के 3,77,000 रुपए का बिल पास करने के लिए 77,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। ना देने पर पिछले करीब 4 माह से ठेकेदार को घुमाया जा रहा था। परेशान होकर किठौर निवासी ठेकेदार जब्बान ने एंटी करप्शन विभाग से संपर्क साधा। शनिवार दोपहर बाद एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग के DLM नरेंद्र कुमार को 77,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में ठेकेदार जब्बान ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। मेरा नाम जब्बार अहमद है, मैं कस्बा किठौर जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश वन निगम में कटान और ढुलान का कार्य कराता हूँ। मैंने गढ़ मेरठ मार्ग पर जो चौड़ीकरण में लाटे हैं उनमें कार्य कराया है। कार्य समाप्त हो लगभग 4.5 महीने हो गए हैं और यहाँ पर DLM जो वन निगम के हैं वो हमारे बिल पास करते हैं। 4.5 महीने के दौरान में दसियों बार इनसे आके मिलने के बाद में कि हमारे बिल पास करा दो, तो इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया बिल पास कराने का। और इनके डिमांड की गई कि आपका जो है पार्ट पेमेंट करेंगे, जो भी पेमेंट है आपका वो पार्टों में करेंगे और जितना पार्ट में करेंगे उसका आपको जो है 20% कमीशन एडवांस में देना होगा। अभी इन्होंने जो है 3,70,000 रुपये के आसपास के बिल बनाकर इन्होंने रख रखे हैं, उसका जो है 77,000 रुपये कमीशन इन्होंने बताया, जिसमें जो है 20,000 रुपये अकाउंटेंट अनिल कुमार हैं उन्हें देना है और 57,000 रुपये DLM इन्हें देना था नरेंद्र कुमार जी को। बार बार जो है इनके फ़ोन जा रहे थे कि पहले पैसे लेकर आओ तभी जो है वो करेंगे। परसों भी फ़ोन गया, कल भी फ़ोन गया, कभी DLM का फ़ोन जाता, कभी अनिल कुमार का फ़ोन जाता मेरे नंबर पर। आज जो है सुबह मेरी जो है उनसे बात हुई, मैंने शिकायत करी, मुझे रिश्वत, मेरे तो इतनी बचत भी नहीं है जितना जो ये कमीशन मांग रहे हैं। तो मैंने जो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करी, शिकायत पर उन्होंने एक्शन लिया और आज जो है आज सुबह इन्होंने मुझे जो है पैसे लेने के लिए बुलाया। सर सुबह जो है अनिल कुमार जी से आके बात हुई मेरी फ़ोन पर, उन्होंने कहा कि मैं तो जो है किसी कार्य से जो है DFO गाजियाबाद के यहाँ हूँ रेवेन्यू के मसले में, लेकिन जो मेरे हिस्से के 20,000 रुपये और 57,000 रुपये DLM साहब की, वो आप DLM साहब को दे दो, मैं उनसे अपने आप ले लूँगा। 77,000 रुपये दोनों के 77,000 रुपये जो DLM नरेंद्र कुमार ने मुझसे जो है अपने ऑफिस में लिए, लेने के बाद में रंगे हाथों जो एंटी करप्शन टीम ने जो है उन्हें जो गिरफ्तार कर दिया। कहाँ पर आपने शिकायत की थी? एंटी करप्शन ब्यूरो का ऑफिस है साकेत में, वहाँ पर शिकायत। तो अभी एक ही गिरफ्तार है अनिल जो है? हाँ, अनिल जो है किसी कार्य से हुआ, उनके हिस्से के भी जो है उन्होंने जो है कॉल रिकॉर्ड भी हैं, स्क्रीन शॉट उनके दिए हुए भी हैं और अकाउंटेंट के। टोटल बिल कितना बकाया है आपका इन पे? टोटल जो ढुलान के मेरे जो है और भी ठेकेदारों के हैं काफ़ी, लेकिन जो मेरा जो है ढुलान का लगभग जो है 4.25 लाख रुपए है, कटान का है। कोई जो है कोई टेंडर नहीं होता है, ना ही जो है ट्रैफिक कंट्रोल का कोई टेंडर होता है, ना ही जो है झंडी में उसका लोपिंग का कोई टेंडर होता है। और सुरक्षित पातन हेतु जो हैड्रा इस्तेमाल किया गया लगभग जो 27 लाख रुपये जो है सुरक्षित पातन हैड्रा का जो है NHAI ने वन निगम को पेड किया है और हमसे जो है इन्होंने हैड्रा चलाया उसका भी कोई अभी तक बिल पास नहीं किया। मेरे लगभग जो है मेरे अपने काम के लगभग जो 27-28 लाख रुपये लगभग जो है पेंडिंग है और अन्य जो एक आकिब नाम के ठेकेदार हैं लगभग 10 लाख रुपये उनके हैं, एक भूरे सनोप मोनू खान हैं 8-10 लाख रुपए उनके हैं। ये तो जो गढ़ मेरठ रोड पे जिन लोगों ने काम किया उनका इतना बकाया, बाकी जो 8-10 जिलों का चार्ज है काफ़ी भ्रष्टाचार फैला रखा है इन्होंने जो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।